Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go, go, go to the deepest end. तो हेलो एंड बेसिकली वेलकम टू द यूट्यूब वीडियो ऑफ माइंड। तो बेसिकली देखो आज हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली उतना दिन से मेरे को कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, टेक्स्ट जनरेशन कर लिया, इमेज जनरेशन कर लिया, इमेज एनालिसिस कर लिया, और भी API कॉल्स कर लिए, हर चीज़ कर ली AI से रिलेटेड जो कि हम अपने जार्विस में डाल सकें। लेकिन एक चीज़ हमने नहीं की, वो थी वीडियो वर्जन की। अगर वीडियो में कुछ हो रहा है, इमेज में हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, वीडियो में अगर कुछ हो रहा है तो बेसिकली उसको हमारा AI कैसे समझेगा। तो उस पर भी मेरा काम कर ही रहा था मैं किसी तरह उसको, मैंने उसको पता तो कर दिया, पर एक दिक्कत थी कि वो हर किसी के PC में नहीं चल पाएगा, उसके लिए चाहिए आपको रिसोर्स। तो मैं खोज रहा था कि बेसिकली कुछ ऐसा तरीका मिल जाए कि जिससे हर किसी के PC में चल जाए। तो बेसिकली उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप एक क्वांटाइज मॉडल यूज़ करो, जो कि मतलब एक नॉर्मल जो बेस मॉडल होता है उससे थोड़ा कम हो, क्वांटाइज हो, शार्डेड हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो हर किसी के PC में। या तो फिर API कॉल करो। API कॉल करने के भी मेरे को दो तरीके लगे, एक थे रेडियो क्लाइंट और एक आप किसी एक्सटर्नल और किसी कंपनी ने जिसने मॉडल रन कर किया हुआ अपने सर्वर पे, उससे आप एक्सट्रैक्ट करो। दो तरीके थे, तो मेरे को लगा कि चलो आज के वीडियो में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं और ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक ब्राउज़र खोल लो, उसमें चले आना इस वेबसाइट, इस लिंक पे, ठीक है, हगिंग फेस की, ये हाओतियन लियू जो भी इनका नाम, इन्होंने बेसिकली ललावा नाम की एक मॉडल है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि एक इमेज वो करता है, इमेज या वीडियो जो है विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल बेसिकली हगिंग फेस पे फ्री में अवेलेबल है। इसको आप चाहो तो लोकली यूज़ करो, इसको फाइन ट्यून करो, इसको क्वांटाइज करो, आपके ऊपर कंप्लीटली। इसके दो मॉडल्स हैं 7 बिलियन और 13 बिलियन। आई होप सो शायद यही ऑथर है, मेरे को नहीं पता है क्योंकि मेरे को हगिंग फेस पे और कोई मिला नहीं, तो आई होप सो यही है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ललावा की तो आपको मिल भी जाएगा, तो आप इस पर चाहो तो कुछ और भी देख सकते हो। और ये जो है अगर आपको API के थ्रू यूज़ करनी है तो आपके पास एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप इसको रेडियो क्लाइंट के तहत आप यूज़ कर सकते हो, पर इसमें थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जब मैं इश्यूज उसको सॉल्व कर दूंगा तो मैं इसको कर दूंगा। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप यूज़ करना चाहते हो इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा, आप इसमें इमेज और वीडियो एक साथ डाल सकते हो, नॉर्मल चैट भी कर सकते हो अपने मॉडल से, मतलब बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ड ऑन व्हाट यू सेड, मतलब कि आप अगर कोई वीडियो जाते हो चाहते हो उस पर आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट है ललावा का, ये जो क्या बोलते हैं इसको, रेडियो क्लाइंट। अगर आप ये चाहो, अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये बेस्ट रहेगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए अभी मेरे को एक ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखा कि हम लोग किसी दूसरे API के थ्रू कॉल करेंगे। तो बेसिकली देखो मेरे को एक रेप्लिकेट नाम की कंपनी है, इसका मेरे को एक API दिखा, इसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ललावा, आप बहुत सारे मॉडल यूज़ कर सकते हो, ललामा हो गया, मिस्ट्रल हो गया, डॉल्फिन हो गया, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है API के थ्रू, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। इसलिए ये भी बात ध्यान रखना, आगे बताऊंगा कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो अभी बेसिकली चलो मैं एक कोलैब नोटबुक खोल दे रहा हूँ, नोटबुक का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तो बेसिकली चलो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आपको रेप्लिकेट नाम का एक मॉड्यूल आता है, लाइब्रेरी है वो। बेसिकली आपको अगर रेप्लिकेट क्लाइंट को यूज़ करना है, मतलब उसकी API कॉल्स करनी है, तो आपको रेप्लिकेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये रेडियो क्लाइंट की तरह नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को ऑटोमेट कर रहे हो, नहीं, ये प्रॉपर एक API की है और उस API की के थ्रू आप करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको एक टोकन चाहिए इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बताता हूँ क्या करना है, आप जाओ रेप्लिकेट की वेबसाइट पर, यहाँ पे आप जब एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, बहुत सिंपल सा टास्क अकाउंट क्रिएट करनी, कुछ मेहनत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा API टोकन्स का, इस पर क्लिक करना। बेसिकली आपका एक डिफॉल्ट यहाँ पे बना हुआ रहेगा, आप यहाँ पे मस्त कॉपी पे क्लिक करना, और उसके बाद आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो रेप्लिकेट को, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो वापस से कोलैब पे आते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, गेट पास जो है वो कोलैब का एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, कोलैब का ये है कि जैसे देखो यहाँ पे जो है ना, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो इसको कहते हैं सीक्रेट की। तो यहाँ पे आपका सीक्रेट की जो रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट वेरिएबल से कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ये होता है, ठीक है। और ये जो है अगर आप डालोगे इसको आउटपुट में, तो यहाँ पे एक जो है आपको इनपुट, जैसे इनपुट कमांड जो होता है ना, सिमिलरली टू दैट ये कोलैब में होता है कि सिक्योर रहता है, पासवर्ड इनपुट के लिए बस रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। और OS मॉड्यूल हम लोग आगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में करने के लिए यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपको एक रेप्लिकेट API टोकन करके एक वेरिएबल बनाना है, उसमें एक गेट पास फंक्शन को कॉल करना है, और जब आप इसको रन करोगे तो बेसिकली आपको एक इनपुट वैल्यू मिलेगी, उस इनपुट वैल्यू में आपने जो टोकन कॉपी किया उसको जस्ट पेस्ट कर देना, जो यहाँ से हमने अभी रेप्लिकेट से टोकन कॉपी किया था डिफॉल्ट वाला, वो आप चाहो तो एक नया क्रिएट भी कर सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट वाला है उस पर अगर आप ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद बेसिकली रेप्लिकेट इंपोर्ट कर लो, सिंपल सा प्रोसेस है। कहीं भी कुछ समझ नहीं है तो हर किसी के साइड में एक कमांड क्या बोलते हैं कमेंट है, उससे आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि आउटपुट, जैसे एक मैंने वेरिएबल बनाया उसमें ये बेसिकली एक मॉडल है, ठीक है, जो कि रेप्लिकेट के सर्वर्स पे चल रहा है और बेसिकली लावा का है, ठीक है। तो वीडियो पाथ जो है इसमें आपको डालना है अपना वीडियो का पाथ, मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें दोनों आपको करके बताऊंगा, पहला तो रहेगा इसका लोकल फाइल पाथ और एक और भी रहेगा कि आप अगर किसी साइट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो किसी वीडियो को तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो पहले तो मैं इसको आपको क्लिक करके बताता हूँ कि इसमें बेसिकली चल क्या रहा है। तो बेसिकली देखोगे आप तो यहाँ पे एक आर्चर है, वो बेसिकली निशाना लगा रही है लड़की या लड़का मेरे को नहीं पता, तो वो बेसिकली निशाना लगा रही है और बस यही है वीडियो में। 10 सेकंड की वीडियो है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, मैंने 10 सेकंड एग्जांपल के लिए डाला है, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने टेक्स्ट फॉर्म में डाला है व्हाट आर दीज टू डूइंग, ठीक है, और उसके बाद मैंने आउटपुट प्रिंट करवाया। तो इसका बेसिकली आउटपुट देखो क्या है, देयर आर टू प्रैक्टिसिंग आर्चरी ऑन द फील्ड, दे आर होल्डिंग बोज एंड एरोज एंड शूटिंग एट द टारगेट्स। ओपन सोर्स में इससे ज़्यादा एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगा। ललावा इज द बेस्ट ओपन सोर्स फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप पेड में जाओगे तब आपको मिल जाए, अलग बात है, लेकिन ओपन सोर्स में इससे अच्छा मॉडल नहीं है। उन्होंने शायद शूट भी नहीं किया था, अगर आप देखोगे तो एरो जो है वो दोनों अभी के हाथ में ही हैं उनके, मतलब वो छोड़ा नहीं उन्होंने, तो दे आर शूटिंग एट द टारगेट। पता नहीं इंग्लिश में शायद मतलब नहीं, मतलब छोड़ो यार मैं कुछ और बोल रहा था, छोड़ो। अब आते हैं बेसिकली देखो, अब ये एक लोकल मतलब फाइल है, ठीक है, कंटेंट। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली कोलैब में जितने भी फाइल्स हैं उसको कंटेंट से स्टार्ट करना होता है। नॉर्मल विंडोज़ में सी हैश ऐसे करके जो आपका जाते हुआ फाइल पाथ, वैसे यहाँ पे नहीं चलता है। आपको बस बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपके पास जो भी फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ मतलब आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो देखो डाउनलोड्स में आना, जैसे यहाँ पैसे कर दोगे ना ये आपका वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो मेरे पास बेसिकली दो फाइल्स हैं, ठीक है, सबसे पहला सैम्पल डेमो वन, तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देखो वीडियो में चल क्या रहा है। बेसिकली एक बच्चा है कुछ बोल रहा है जो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रहा और ये बुक्स रीड करने की कोशिश कर रहा है और इसमें चश्मा पहना हुआ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। बुक्स में क्या पढ़ रहा है वो भी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग पूछते हैं अपना, मैंने इसी का एग्जांपल दिया है, ठीक है, फॉर्मेट यही रखना, अगर आप ऊपर नीचे कुछ भी करोगे यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में तो भी आपका इशू आएगा। जैसे डिक्शनरी में लिखा हुआ है एकदम डिट्टो वैसे ही होना चाहिए और कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो मैंने टेक्स्ट फॉर्म में डाला है एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन बाय द इन द वीडियो इन अ प्रोफेशनल एंड डिटेल्ड वे, ठीक है, और उसके अंदर मैंने आउटपुट प्रिंट करवाया। तो ये देखो इसने क्या लिखा है, अब्सॉर्ब्ड इन अ बुक अ क्यूरियस टॉडलर, टॉडलर मतलब होता है बच्चा, जिसको भी नहीं पता इसके अंग्रेजी में इतना कमजोर है उसका मतलब होता है बच्चा, इन अ क्या बर्ड्स एडॉप्ट ऑफ कुछ है, ठीक है, उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया बस कि हिज टाइनी ब्रो फर्ड ऐसा कुछ करके है वंडरस वर्ल्ड विद इन द पेजेस, ठीक है, पता नहीं इसने शेक्सपियर जैसा क्यों बोलना, थोड़ा दिमाग के ऊपर से। मैंने देखो जिस टाइप का प्रॉम्प्ट दोगे उस टाइप से आप कर सकते हो, आप इस पे चाहो तो आप इसमें हिस्ट्री नहीं है बेसिकली, ये दिक्कत का बात है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं एक अलग API यूज़ कर रहे हैं, ग्रेडी क्लाइंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक अलग ही कॉल कर रहे हैं API का, तो इसलिए हम लोग के पास डायरेक्ट इसका कोई तरीका नहीं है। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि लोकली भी कैसे कर सकते हो या फिर हिस्ट्री कैसे क्रिएट कर सकते हो API कॉल के थ्रू, मैं दोनों बताऊंगा, अभी दोनों वीडियोज आएंगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ये बेसिकली स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेप है हम लोग कह सकते हो, जब उन दोनों में मैं सारे एरर सॉल्व कर दूंगा तब मैं उसको यूट्यूब पर डाल दूंगा। ये आपको शायद ही अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं डाला है वीडियो रिकॉग्निशन का, शायद मेरे को आइडिया नहीं है, पर शायद ये फर्स्ट है मेरा, ठीक है, तो देख सकते हो। उसके बाद एक और वीडियो है वीडियो होना चाहिए था ना, सैम्पल वीडियो टू है, पता नहीं मैंने शायद गलत कुछ किया, ठीक है, छोड़ो यार। अभी देखो सैम्पल वीडियो टू में बेसिकली क्या चल रहा है, ये बच्चा, ये मीम है, आपको याद ही होगा थम्सअप मीम, सामने बंदा क्या यूज़ कर रहा है आई हैव नो आइडिया, शायद लैपटॉप है या कुछ है, तो कंप्यूटर है वो बेसिकली पुराना टाइम का। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वीडियो जो है इसको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है, मैंने शायद एडिटिंग में इसको ऊपर नीचे कर दिया है, तो एक्चुअली में ये सैम्पल वीडियो टू जो है उसका डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है। मैंने टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाला है व्हाट इज बीइंग डन इन द वीडियो इन अ प्रोफेशनल एंड डिटेल्ड वे, भाई मैंने क्या लिखा है यार, भाई मैंने पता एडिट बहुत गंदा किया यार, मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और लिखा था, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, छोड़ो यार। देखो इसका आउटपुट क्या है बेसिकली, देखो एडिटेड जब एडिटिंग किया ना मैंने एक्चुअली यहाँ पे पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग डन इन दिस वीडियो इन अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ गेमर, मतलब कि गेमर के पर्सपेक्टिव से बताओ कि क्या चल रहा है बेसिकली, तो उसलिए इसने रिस्पॉन्स दिया था यंग गेमर आई स्पार्किंग विद विक्ट्री बीट्स अ थम्स अप एट द स्क्रीन सेलिब्रेटिंग एट द टाइम ऑफ जो भी है वो, ठीक है। और मैंने एडिटिंग में क्या काम किया, इसको जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने बेसिकली जब कमेंट्स ऐड किया था मैंने तो मैंने ऊपर नीचे दोनों का पार्ट जो है वो कमेंट कर दिया, बस सिंपल एज दैट।
ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ी वाला काम किया मैंने। मैं क्या बोलूँ, देखो अगर मैं आपको बताऊँ तो ओपन AI पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे आखिरी वाला जो है ना, ये है बेसिकली अपना कोड। रुको मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, ये है बेसिकली अपना कोड। तो यहाँ पे सैम्पल वीडियो 2 है और यहाँ पे डिस्क्राइब द वीडियो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गेमर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये बेसिकली हम लोग का फर्स्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे एक मेरे को दिखा है एक GitHub रिपोजिटरी, इसके थ्रू मैं ट्राई करूँगा कि कैसे इसको लोकली रन कर सकूँ, हर किसी के लिए मैं अवेलेबल करवा सकूँ, ऐसा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहना, तब तक के लिए बाय बाय, आगे मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, ठीक है। तो अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाय द वे वो एक मोनेटाइज लिंक रहेगा, तो इन केस अगर किसी को मोनेटाइज लिंक में कन्फ्यूजन हो तो उसके जस्ट नीचे एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोर्स कोड जनरेट करवा सकते हैं।